ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवम भाई क्या इशारा कर दिया है क्या कि अब हो गया अयोध्या, हो गया काशी, अब बारी जो है वो मथुरा की है। और मैं इसको थोड़ा सा चुनावी परिप्रेक्ष्य में भी समझता हूं कि क्या यही वो फॉर्मुलेशन है कि जो 80 में 80 सीट जीतने की बात आप लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्या इसी फॉर्मूले के साथ, यानी कि क्या मंदिर के की बातों के साथ, क्या धर्म और आध्यात्म की बातों के साथ आप 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे? शिवम भाई देखिए, मुझे लगता है अनुराग जी, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी और वो ये कि जहां तक बात 80 में से 80 सीटें जीतने की है, भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 वैसे भी जीतने जा रही है। और रही बात मथुरा की, काशी की, अयोध्या की, मैं मानता हूं इसको आज के परिपेक्ष में देखा ही नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन विषयों को लेकर बात करती रही है, लगातार, चाहे वो अयोध्या का विषय रहा हो, चाहे वो मथुरा का विषय रहा हो, चाहे वो काशी का विषय रहा हो। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस देश में और दुनिया में जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो इस बात से सब इत्तेफाक रखेंगे कि हर एक हिंदू के मन में ये है कि मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण हो और उसको जो है हर एक व्यक्ति जो है वहां पर जाए, पूजा करे, अर्चना करे। अब कुछ लोग हैं इस देश में जो कहते हैं कि भाई वो वंशज तो भगवान श्री कृष्ण के हैं लेकिन डरते हैं मथुरा जाने से, वो वंशज तो भगवान श्री कृष्ण के हैं लेकिन डरते हैं इस बात को कहने में, वो वंशज तो भगवान श्री कृष्ण के अपने आप को बताते हैं लेकिन कभी उनसे हमने नहीं सुना कि हमारी ऐसी आस्था है, हमारा ऐसा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर हुए और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर वहां पर होना चाहिए। इतना कहने में किसी को कोई दर्द नहीं हो सकता भाई, इसमें क्या बुराई है बताइए? भगवान हिंदू और हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने आराध्य के विषय में कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं शिवम भाई, आपने बहुत वाजिब बात की और मैं आपकी बात को एज इट इज ट्रांसफॉर्म करूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास। लेकिन शिवम भाई, एक छोटी सी चीज मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सियासत में राम मंदिर का योगदान क्या है? ये देश में किसी से नहीं छुपा है। आप लोग, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को चुना तो उन्होंने काशी को क्योटो बनाने की बात कही, यानी कि दो धार्मिक एजेंडे आप लोगों ने पकड़े और उसका बहुत अच्छा नतीजा मिला। तो अगर मथुरा की बात आप लोग कर रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, तो कुछ लोग इसे इस तौर पर भी जोड़कर देख रहे हैं कि ठीक है, आपने दो जगहों से अपने वोट बैंक तो इकट्ठा कर लिए, अब बारी आप लोगों की मथुरा की आ चुकी है जिस पर आप सियासत करेंगे और उस पर फायदा भी आपको होगा। देखिए अनुराग जी, आपने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में या यहां तक पहुंचने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्रीराम मंदिर का क्या योगदान है, ये देश जानता है और शायद इसीलिए हम मथुरा और काशी की बात कर रहे हैं। नहीं अनुराग जी, आपके अनुराग होने में, यहां होने में, स्वस्थ होने में, टाइम्स का डिबेट करने में, यहां पर बैठने में, परिवार से लेकर हर जगह इस सृष्टि को रचने में, एक एक चीज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव का ही सब कुछ है। ये चुनाव का विषय नहीं है, मैं फिर से वही कहता हूं, चुनाव आते रहेंगे, हर 5 साल में आते जाते रहेंगे। भाई जहां तक इस विषय की बात है तो अयोध्या के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विहिप के कार्यकर्ताओं ने जान दी है अपनी, इस देश ने मोर्चा चलाया, आंदोलन चलाया है सालों साल, 500 साल बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मैं वही शिवम भाई, मैं उसी पर बात कर रहा हूं, क्या उसी जोन में मथुरा को लेकर अब बीजेपी जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ का बयान उसी तरफ इशारा कर रहा है क्या? बस एक लाइन में मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, उन्होंने एक हिंदू होने के नाते कहा कि ऐसी हमारी आस्था है, ऐसा होना चाहिए, विषय कोर्ट में है और हम ऐसा मानते हैं कि वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण, मतलब भव्य मंदिर, आस्था के तौर पर आप अपनी पुरजोर तरीके से बात रखेंगे और लड़ाई कानूनी जारी रहेगी। ठीक है मोहम्मद तारिक खान, लेकिन जब बात अगर श्रीकृष्ण जन्मभूमि की होती है तो बीजेपी बार बार ये कहती है कि आप तो अपने आप को श्रीकृष्ण के वंशज बताते हैं, तो कम से कम श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोई विवाद या किसी तरह का कोई शक या शंका समाजवादी पार्टी के मन में नहीं होगी मथुरा को लेकर? तारिक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा चेक कीजिए ना, म्यूट ना हो। मथुरा में जो विवाद है, सबसे पहले तो अखिलेश जी ने कहा कि भगवान राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही भगवान और भगवान राम है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, क्या वहां जो विवाद है उसको कोर्ट में लेकर समाजवादी पार्टी गई? कोई पार्टी है समाजवादी पार्टी? कभी कोई स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से आया? और एक बात, कोई मामला अगर सब जुडिस है तो थोड़ा सा तो मर्यादा रखना चाहिए। वही मामला सब जुडिस है दोनों जगह, हम तो नहीं लेके गए, जो लोग लेके गए हैं पार्टियों में विवाद है और उसका हल हुआ। जब बाबरी मस्जिद वाला मामला राम मंदिर का हल हुआ तो कोई चू भी बोला? कोई बोला ना, बताइए ना कौन बोला।
क्यों इस तरीके का माहौल बनाया जाता है, क्यों नहीं, बनाया लेकिन जाता है कि वहां होली मनाई गई? नहीं, तारिक खान साहब, तारिक खान साहब वो अलग बात है, ठीक है, कोर्ट जो तय करेगा उसको तो आपको मानना पड़ेगा, आपके लिए वो मान्य है या नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कोर्ट तक जब चीजें पहुंची है उससे पहले एक चीज होती है आपसी समन्वय की। मैं कह रहा हूं दो पक्षकार आपस में कोर्ट में लड़ लें, अपने फैक्ट्स रख लें, कोर्ट डिसाइड करना है जो करना है कर लेगा, लेकिन अच्छा, आप बताइए क्योंकि खुद ये कहते हैं कि आप कृष्ण के वंशज हैं, तो आप श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर आपका स्टैंड क्या है आज देश ये जानना चाहता हूं। बीजेपी का गठन हुआ, मेरा एक सवाल है बीजेपी से, जब बीजेपी से का गठन हुआ 80 में तो इनका नारा है पता है क्या था? गांधीवाद समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद पे भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और राम मंदिर का जो आंदोलन था इन्होंने अडॉप्ट किया 90 के करीब में, इनका आंदोलन था ही नहीं वो, तो आपका कहां से वो कोर एजेंडा हो गया? वो तो कोर एजेंडा आप उसको अपना बना लेते हैं ताकि राहुल गांधी के टाइम पर भी पहल हुई थी कि इस मसले का बाहर हल हो जाए, और वो हर सबके सामने सार्वजनिक है कि किन लोगों ने, आरएसएस के प्रमुख ने ही उसको मना किया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है अशोक सिंगल को इस तरीके का बाहर इसको हल करने, तमाम किस्म के पत्रकारों ने इस तरीके की बात। तो मैं ये कह रहा हूं अगर हम लोग बात करें कि वो जो होली मनाए पूरा देश और बेरोजगार, तो आज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि 83% युवा बेरोजगार है हिंदुस्तान का, उस रिपोर्ट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे भारत सरकार, इस पे भी बात हो जाए थोड़ी सी। नहीं ठीक है तारिक भाई, उसमें बात होगी, लेकिन आज का बड़ा मुद्दा ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उससे क्या 80 की 80 सीटें जीतने का फॉर्मुलेशन क्या तय कर ले? बहुत छोटा सा जवाब तारिक खान साहब, तकरीबन 29 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश में यादव लैंड कही जाती हैं, जहां पर यादवों का अच्छा वोट बैंक है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें 10% वोट बैंक है, और इन सीटों पर तकरीबन 20% आपकी हिस्सेदारी, मतलब यादवों की हिस्सेदारी है। अब आप मुझे समझाइए कि क्या योगी आदित्यनाथ के इस दाव से, चूंकि यादव की जो यादव जो जाति है वो खुद अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानती है, तो क्या योगी आदित्यनाथ के इस दांव से कोई फर्क पड़ेगा इस वोट बैंक पर? बस मुझे ये बताइए, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के गढ़ में सेंधमारी की एक बड़ी कोशिश की है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, बीजेपी की साजिश है कि अखिलेश जी को एंटी हिंदू साबित कर दिया जाए। इटावा में शिव मंदिर बनवा रहे हैं, मथुरा में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर जो बना उसके लाखों रुपए अखिलेश जी ने दिए, तो वो एंटी हिंदू हो गए? कैसे हो गए भाई? मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप साबित ये करना चाहते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के दाव से यहां ये कैसे पता चलेगा कि अखिलेश यादव एंटी हिंदू हो गए? आप जो बात कह रहे हैं उसको उसकी प्रामाणिकता दीजिए, इससे ये थोड़ी साबित होगा। योगी आदित्यनाथ की करीबियत या योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता मथुरा को लेकर ये पता चल सकता है, अखिलेश यादव एंटी हिंदू कैसे साबित हो गए ये साबित कीजिए ना सर। नहीं, ये हम नहीं साबित करेंगे, ये भाजपा लगी हुई है और हम ये। अच्छा ठीक है, मैं अपने दोनों धर्म गुरुओं के पास जा रहा हूँ। शिवम भाई बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप जब इस तरह की बातें करते हैं भले वो राजनीतिक एजेंडे के तहत आपके ना हो, लेकिन विपक्ष उसे इस तरह से देखता है कि आप दूसरों को एंटी हिंदू साबित करने पर लगे हुए हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन उसके साथ मैं हिंदू हूं, इस बात को कोई नहीं टाल सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो हिंदू हैं, उनका धर्म हिंदू है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका धर्म हिंदू है। आपको कैसी शर्म इसको पहनने में? और इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी वालों ने कि ये हमें एंटी हिंदू साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, हैं आप हिंदू विरोधी, हैं आप अखिलेश यादव हिंदू विरोधी, हैं मुलायम सिंह यादव हिंदू विरोधी, करते हैं भाई। कार सेवक ऊपर गोलियां चलाने वाला हिंदुओं का समर्थक कैसे हो सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का जो निर्णय है और उसके बाद जब अगर वो मंदिर बनता है वहां पर ना जाने वाला उसको रिजेक्ट करने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विरोध करने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? इस देश में एक बार भी अपने भगवान का नाम तक ना लेने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? हिंदू तो मुस्लिम राजनीति नहीं है भाई, आप हिंदू विरोधी ही हैं।